ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे? जलील आपको ये क्या? ये देखिए जलील मुझे क्या बोल रहे हैं? दलाल मीडिया, जलील औरत, जलील औरत ये मुझे बोल रहे हैं यहाँ पर, तमीज नहीं है ये, बदतमीजी यहाँ पर कर रहे हैं हमारे साथ में, ये मुझे जलील औरत बोल रहे हैं और जलील मीडिया बोल रहे हैं, इतना ज्यादा बदतमीजी, ये कहाँ से है भैया आप? दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं किसान, दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठ गए हैं, बाहर से जब हम आए थे वहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ कि रोड के हर तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जितने भी रोड यहाँ जंतर मंतर की साइड से आने वाले रोड हैं सबको बंद कर दिया है, यानी कि गाड़ी का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है, सुविधाएं सब बंद कर दी गई हैं, पीछे की तरफ से हो या आगे की तरफ से हर तरफ से यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया गया है, यहाँ गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल बंद है। और ये जो सिलसिला है जो इस आंदोलन, ये आंदोलन अब 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा, तो आप देख सकते हैं कि इतने दिन तक लोगों को, जो आम जनता है दिल्ली की, उनको कितने दिन का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ से गाड़ी नहीं ले जा सकेंगे, उनको अपना रूट चेंज करना पड़ेगा, ऑफिस के लिए लेट भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि लोग करते भी आ रहे हैं, क्योंकि 8 महीने से ऊपर हो गया है ये आंदोलन, चलता ही जा रहा है, संशोधन के लिए कितनी बार बोल दिया है सरकार ने, कितना ज़्यादा यहाँ पर संशोधन के लिए बोला गया था, लेकिन फिर भी जो किसान थे वो मानने के लिए राजी नहीं हुए हैं, उनका ये कहना है कि बातचीत करके नहीं मानेंगे, उनका यही कहना था कि किसी भी करके इस जो बिल पास किया है उसको रद्द किया जाए, ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे? जलील आपको ये क्या? ये देखिए जलील मुझे क्या बोल रहे हैं? दलाल मीडिया, जलील औरत, जलील औरत ये मुझे बोल रहे हैं यहाँ पर, तमीज नहीं है ये बदतमीजी यहाँ पर कर रहे हैं हमारे साथ में, ये मुझे जलील औरत बोल रहे हैं और जलील मीडिया बोल रहे हैं, इतना ज्यादा बदतमीजी, ये कहाँ से है भैया आप? इन्होंने मुझे जलील औरत कहा, बदतमीज कहा, बिकाऊ मीडिया का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं ये, अगर यहाँ पर जिक्र होता है कि हम किसानों की सच्चाई दिखाएं या फिर इस आंदोलन की सच्चाई दिखाएं, तो ये बिकाऊ मीडिया बोलता है, जलील औरत मुझे यहाँ पर किया जा रहा है, देख सकते हैं किस तरीके से ये जलील हरकतें यहाँ कर रहे हैं, देख सकते हैं क्या किस तरीके का आंदोलन है ये, क्यों ना कहें हम इन्हें आंदोलन जीवी, जब ये इस तरीके की हरकतें एक औरत के साथ करते हैं, एक मीडिया कर्मी के साथ करते हैं, बोल रहे हैं ये, देख लीजिए किस तरीके की हरकतें यहाँ पर हो रही है, दलाल मीडिया का खिताब यहाँ दिया जाता है जो भी किसानों के खिलाफ बात करता है, जब किसानों के खिलाफ बात होती है तो दलाल मीडिया का टैग, देखिए किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो सुविधा है उसका उल्लंघन किया है, और गोदी मीडिया का ये बोल, इन्होंने मेरा फोन फेंका, ये झूठी खबरें, ये झूठी खबरें जो दिखा रहे हैं, एक मिनट, झूठी खबरें दिखाई है भैया, आपने मुझे जलील, इन्होंने मुझे जलील कहा, ये देखिए किस तरीके से ये मीडिया कर्मी के साथ बदसुलूकी यहाँ पर की गई है, किस तरीके से ये मीडिया के साथ बदसुलूकी कर रहे हैं, इनको अगर कुछ कहते हैं तो हम दलाल मीडिया हो जाते हैं, इनको अगर कुछ कहते हैं तो हम बिकाऊ हो जाते हैं, ये आंदोलन जीवी लोग यहाँ पर सिर्फ दंगा फसाद करने आते हैं, ये वही है जिन्होंने 26 जनवरी पे दंगे किए थे और अब 15 अगस्त की तैयारी में लगे हुए हैं, इनके खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो इन्होंने हमें बिकाऊ बोल दिया, दलाल बोल दिया, और इन्होंने मुझे गाली दी, एक मीडिया कर्मी को इन्होंने मुझे गाली दी है, तो यहाँ पर अब कौन लेगा एक्शन? देखिए अंकल भी बोल रहे हैं, सामने खड़ा था मेरे सामने, गालियाँ दी इसको और एकदम, क्या मैंने उन्हें कुछ कहा था? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, किसानों को गलत, मेरा नाम नंबर एड्रेस लिख लो, मैं कोर्ट में बयान दे दूंगा, आप मेरे सामने आपको गंदी गंदी गालियां दी और एकदम से लकड़ी का डंडा लेके मारने के लिए आए थे, जो काले रंग का डंडा था, मेरे सामने की बात है, मैंने देखा अपनी आंखों से देखा मैंने। थैंक यू सो मच अंकल, देखिए मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है आंदोलन, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और ईमानदारी से रिपोर्ट कर रहा है, तो उसने आकर के ऐसा माहौल बनाया कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, झगड़ा बनाने का एक इनका यस 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 ये झगड़ा करने के लिए यहाँ पर ऐसा माहौल बना रहे थे,
सरकार ने गलत नहीं किया कि इतने सारे पुलिस को तैनात कर दिया, यानी कि पहले से ही पता था कि ये होगा? सरकार ने ठीक नहीं किया, सरकार ने गलत किया, सरकार जानबूझ के कराना चाहती है ताकि मीडिया वाले भड़ के। आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए किस तरीके से ये एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुमको नहीं दूंगा, पुलिस को दूंगा, पुलिस से ले लेना। पुलिस के कोई नहीं जा रहा था। यहाँ पर ये किस तरीके से बस सलूकी हो रही है मीडिया के साथ में, एक एक मीडिया कर्मी को पकड़ के यहाँ पर बस सलूकी की जा रही है। जो भी मीडिया यहाँ पर सच बोलने की कोशिश कर रहा है, जो भी मीडिया कर्मी यहाँ पर सच दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनको यहाँ दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मीडिया को यहाँ धकेला जा रहा है, बस सलूकी करने की कोशिश की जा रही है। पहले मुझे गाली दी, मेरे ऊपर मारने की कोशिश की, अब एक और रिपोर्टर है उनको भी ये लोग बस सलूकी के साथ इस तरीके से भगा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या माहौल यहाँ पर बन गया है। क्यों ना कहे हम आंदोलनजीवी, क्यों ना कहे कि ये दंगे करते हैं, क्यों ना कहे कि 26 जनवरी को होने वाले दंगों में हाथ इनका था। अब 15 अगस्त की जो तैयारी ये लोग कर रहे हैं, क्या 15 अगस्त में भी यही होगा? क्यों इस तरीके से दंगे? आपने नहीं देखा? हम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पहले उसको, आप बोल रहा था, लेकिन आप लोग उसको पहले उसको मारा। मैंने मारा आदमी ने, उसको मारा उन्होंने, मेरे साथी नहीं, मेरे साथी है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? मीडिया का हक नहीं है क्या? एक मिनट, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? मैं यहाँ पर खड़े होके अपनी बात बोल रही हूँ, उन्होंने आके मुझे गाली दी। आपने, आप लोग यहीं खड़े थे, पहले आपने उसको प्रवोक किया? मैंने प्रवोक नहीं किया भैया, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। देखिए हम भी वहाँ मौजूद थे, पहले उसको मारा गया है, मारा गया है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए भैया, एक मिनट, आप लोग ना जब ये कार्ड वाले हो ना, पहले अंदर चले जाओ, यहाँ मत रहो आप लोग, पहले प्लीज। देखिए यहाँ पर जो माहौल है, यहाँ पर जो बात सच है यार, जो बात सच है, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट जो सच बोल रहा है। हाँ मुझे बताइए, मुझे गाली दिया गया है। झूठ नहीं बोल रहे भैया, आपके सामने गाली दिया है उन्होंने मुझे। मैं यहाँ पर आराम से रिपोर्टिंग कर रही थी, इन्होंने मुझे गाली दिया, बोला कि दलाल मीडिया। नाम नंबर ले लो। नहीं, पहले गाली नहीं दी, पहले उसने दी गाली, पहले उन्होंने गाली दी। आप बताइए किसने गाली दिया था? पहले उन्होंने गाली दिया था आपको? ये बोल रहे हैं कि मैंने पहले उन्हें गाली दिया। मैं यहाँ क्या कर रही थी आराम से? पहले आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, पहले उसने आके आपको जलील औरत बोला था? जलील औरत बोला, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं, मेरे को जलील औरत यहाँ बोला गया, लेकिन जो एक अभी एक अंकल थे उन्होंने मुझे जलील बोला, लेकिन यहाँ पर जो उनके साथी कर्मी है वो मुझे बोल रहे हैं कि आप उन्हें प्रवोक कर रही थी, जबकि मैं यहाँ खड़े होकर आराम से अपना रिपोर्टिंग कर रही थी। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम उसे प्रवोक कर रही थी। प्रवोकिंग कैसे कर सकती भाई, मैं अपने कैमरा पर, मेरा फोकस है, मैं कैसे, मैंने उस आदमी को जानती तक नहीं हूँ मैं उस आदमी को, लेकिन फिर भी जिस तरीके से यहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया पर हाथ उठाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग दंगा फसाद, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से दंगा भड़काने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। काफ़ी सारे लोग मेरे फेवर में आए हैं, उनका ये कहना है कि मैं आराम से अपनी रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन उन अंकल ने आके मुझे जलील औरत कहा और मुझे गाली दी और मुझे दलाल मीडिया का खिताब दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके फेवर में हैं और बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर प्रवोक करने का काम कर रही थी, मैंने उन्हें प्रवोक किया। आप कैमरा में भी देख सकते थे कि मैंने उनको कितना प्रवोक किया था, मैं किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एक कोने में आके अपनी रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन उन नौजवान ने मुझे आके गाली दी और प्रवोक करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर ये लोग किस तरीके से दंगे भड़का रहे हैं।